भारत विद्यार्थी मित्र, आज हम पढ़ेंगे कि जो हम एक दूसरे के साथ मेल से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को मेल भेजते हैं, तो आखिर में मेल जो है हमारा ईमेल वर्क कैसे करता है, कैसे उसका ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कैसे उसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ ईमेल वर्क्स, कि हमारा जो ईमेल है, मेल है, वो वर्क कैसे करता है। तो देखते हैं हाउ ईमेल वर्क्स क्या है उसके अंदर। टू सेंड ईमेल वन नीड अ कनेक्शन टू द इंटरनेट एंड एक्सेस टू द मेल सर्वर विच फॉरवर्ड द ईमेल। तो सबसे बेसिक चीज हमें ईमेल फॉरवर्ड करने के लिए क्या चाहिए, एक तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और जिस भी कंपनी का मेल है उसका सर्वर एक्सेस चाहिए। तो वो क्या करता है, फॉरवर्ड हमारा मेल को फॉरवर्ड कर देता है। अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज फॉर द सेंडिंग द इंटरनेट ईमेल इज कॉल्ड SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमारा जो मेल है वो ट्रांसफर होता है तो वो कौन से प्रोटोकॉल से होता है, जैसे हमने आगे देखा कि IP हमारा प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल और वो सब। तो ईमेल के लिए हम यूज करते हैं SMTP, उसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट्स वर्क इन कंजक्शन विद द POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल सर्वर। और ये SMTP है वो किसके साथ कंजक्शन में वर्क करता है, POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP यानी इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड IMAP यानी कि इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ईमेल हमारा वर्क सबसे पहले बेसिक क्या होता है कि हमें क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और सर्वर एक्सेस चाहिए। उसके बाद कि हमारा जो ईमेल वर्क करता है वो कौन से प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो प्रोटोकॉल है वो किसके साथ कंजक्शन विद किसके साथ होता है, POP यानी कि पोस्ट ऑफिस कंट्रोल प्रोटोकॉल और IMAP यानी कि इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो अब हम पूरी प्रोसेस देखते हैं इंटरनेट का मेल कैसे होता है सिस्टम का। वर्किंग ऑफ द ईमेल, तो सबसे पहले कोई यूजर होता है और यूजर क्या करता है, मेल को SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर तक पहुंचता है मेल, वहां पे वो मेल करता है। फिर SMTP के साथ दूसरा पॉइंट आता है, SMTP सर्वर आस्क फॉर द रिसेप्शनिस्ट डोमेन एड्रेस एंड DNS सेंड द ईमेल एड्रेस, यानी कि ये जो हमारा SMTP है प्रोटोकॉल है वो हमें पूछता है कि आपका डोमेन क्या है, DNS एड्रेस क्या है। तो फिर वहां से जाता है DNS एड्रेस पे हम डालते हैं वो। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या आता है, इफ द रिसेप्शनिस्ट अकाउंट रिसाइड ऑन द सेम मेल सर्वर द SMTP सर्वर विल सिंप्लीफाई द डायरेक्ट द मेल ऑफ द लोकल POP और IMP सर्वर। अब क्या होता है कि यूजर का और जो रिसेप्शनिस्ट है दोनों का मेल सर्वर यानी कि एक होता है, दोनों का डोमेन एक होता है, तो DNS में नहीं जाता है, डायरेक्ट वहां से POP और IMP में हमारा मेल जो चला जाता है। यानी कि जो स्टेप नंबर 3 है वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, के रिसेप्शनिस्ट का जो अकाउंट है उसका जो सर्वर है मेल सर्वर उनके ऊपर। तो हमारा मेल यूजर से DNS पे गया, वहां से आया POP और IMAP पे। फिर क्या होता है, द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP सर्वर डिलीवर द मैसेज टू द रिसेप्शनिस्ट, और वो मेल कहां पे हमें फॉरवर्ड कर देता है, रिसेप्शनिस्ट तक। दूसरा क्या होता है कि अगर डिफरेंस है यूजर मेल सर्वर, रिसेप्शनिस्ट SMTP सर्वर रिसीव द मेल एंड फॉरवर्ड टू द POP और IMAP सर्वर। अगर दूसरा क्या है कि सेम नहीं है मेल एड्रेस, तो क्या होता है कि DNS से फिर चला जाता है SMTP और POP पे, और वहां से हमारा जो मेल है वो रिसेप्शनिस्ट तक पहुंच जाता है। तो यूजर से रिसेप्शनिस्ट तक पहुंचने वाली ये पूरी प्रोसेस है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल फुल फॉर्म है
ईमेल का. इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क यूजिंग द कंप्यूटर. इट प्रोवाइडेड द इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड एबिलिटी टू सेंड फाइल अटैचमेंट बाय यूजिंग द इंटरनेट. तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा ईमेल है वो एक तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल दोनों एक ही चीज़ हो गई. वो उनसे जरिए हम हमारी इंफॉर्मेशन है हमारा मैसेज है वो इंटरनेट माध्यम से कंप्यूटर कम्युनिकेशन द्वारा हम एक दूसरे के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. इट प्रोवाइड इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड एबिलिटी टू सेंड फाइल अटैचमेंट बाई यूजिंग द इंटरनेट. और कैसी प्रोसेस है, बहुत ही फास्टली है, बहुत ही स्पीड है, इंस्टेंट हमें एक दूसरे के साथ मेल से हम बातचीत कर सकते हैं. अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ईमेल का, तो ईमेल एड्रेस स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजर नेम @website.com ये है हमारा ईमेल का आईडी. इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है. यूजर नेम आपकी चॉइस से आप रख सकते हो, वेबसाइट अगर आप गूगल यूज कर रहे हो तो जीमेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कर रहे हो तो हॉटमेल होता है, याहू होता है तो उसमें yahoo.com आता है. उस टाइप से स्ट्रक्चर ऑफ द ईमेल एड्रेस है. टिपिकल ईमेल एड्रेस वुड बी लुक लाइक यूजर नेम @website.com. ये हमारा ईमेल का टिपिकल वेब आईडी हो गया. अब बात करते हैं लॉग इन एट अ मेल सर्वर. पहले तो चेकिंग ऑफ ईमेल. वन कैन रीड एंड रिसीव ईमेल बाय द ओपनिंग हिज और हर ईमेल अकाउंट. हमें ईमेल पढ़ने के लिए क्या चाहिए, पहले तो हमें हमारा ईमेल अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड सर्वर की गई कंपनी के साथ हमें उसे अकाउंट ओपनिंग करवाना पड़ता है. फिर हम बात करते हैं सेंडिंग ईमेल. तो हम क्या कर सकते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ईमेल सर्विस इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू सेंड अ ईमेल. अ यूजर कैन रिप्लाई टू द रिसीव ईमेल और सेंड अ न्यू ईमेल. सेंडिंग ईमेल में क्या होता है कि हम एक दूसरे के ईमेल इंस्टेंटली सेंड और फॉरवर्ड कर सकते हैं और नए यूजर को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं. हमें वो फंक्शन प्रोवाइड दे जाता है. फिर आता है ईमेल अटैचमेंट. तो अटैचमेंट डिपार्टमेंट में क्या है, आप सभी ईमेल तो यूज कर ही रहे हो. अटैचमेंट डिपार्टमेंट में है कि हम ईमेल के साथ कोई फोटोज यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स, मल्टीमीडिया या फिर कोई फाइल्स वो सब अटैच करके हम उसे ईमेल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये बात हो गई हमारी ईमेल की. तो ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कैसे वर्क करता है, उसके प्रोटोकॉल क्या क्या है, SMTP, POP और IMAP, ये उसके अलग अलग प्रोटोकॉल है. कैसे वर्क करता है तो ये पूरी सिस्टम है, ये रही पूरी ईमेल की सिस्टम. देख रहे हो आप, ईमेल की पूरी सिस्टम कैसे मेल करता है. स्टेप नंबर 1 से जाता है स्टेप नंबर 2, 3 में हमें पास 3-2 स्टेप है. एक तो हमारा DNS सर्वर सेम हो या डिफरेंस हो उस हिसाब से, और वहाँ से हमारा रिसीवर यानी कि रिसेप्शनिस्ट तक हमारा ईमेल जो है वो पहुँच जाता है. ईमेल का बेसिक स्ट्रक्चर और ईमेल के अंदर क्या क्या हमें सुविधा मिलती है वो. तो ये बात हो गई हमारी ईमेल की. अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ द नेटवर्क, जो आप ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं नेटवर्क के टाइप्स. हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. लोकल में क्या होता है, LAN, लैन स्पान ओनली द स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया सर एज एन ऑफिस, होम और अ बिल्डिंग. इन अ लैन वन कंप्यूटर इज designated as a file server which store all the software that control the network and other computer connect are the called a workstation. Local area यानी कि बहुत small area के लिए. ये सब आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हो. फिर आता है metropolitan area network यानी कि MAN. तो MAN is a network of the computers spread over a metropolitan area such as a city and its suburbs.
operated by an organism corporated with the server office or be shared a resource used by the server organization in the same city. फिर आता है wide यानी कि internet. When is the system of the interconnecting the computer over the large geographical area? यानी कि पूरी कंट्री के साथ हो सकता है, पूरा वर्ल्ड हो सकता है, स्टेट है. ये है हमारा WAN network. Kind of the network use the telephone line, satellite link and other long range communication technology. तो types of the network हमें पता है तीन है हमारे पास, local area network, wide area network and metropolitan area network. तो ये बात हो गई हमारी various types of the network, local, metropolitan and wide area network. अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में. कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है? तो अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ द रूल्स एंड प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर एस्टैब्लिश टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन बिटवीन द टू पॉइंट सो दैट द रिसीवर कैन प्रॉपरली इंटरप्ट द बीट स्ट्रीम ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर. इट प्रोवाइड द मेथड फॉर द ऑर्डिनरी एंड इफिशियंट एक्सचेंज ऑफ द डेटा by establishing the rule for the proper interruption of the control and the data transmitted as a raw bytes and bytes. अब communication क्या है वो तो आपको पता है कि कोई एक sender है, वहाँ से एक receiver है, वहाँ तक हमें क्या भेजना है, हमारा data भेजना है, तो वो होता है communication. तो communication protocol का काम क्या है कि जो sender द्वारा जो data भेजा गया है वो properly receiver से का ट्रांसमिटेड हो बीट बाय बीट, यानी कि उसका जो जैसे स्टेप बाय स्टेप वैसे ही बीट बाय बीट हम वहां पर हमारा जो कम्युनिकेशन डेटा है वो एक्सचेंज यानी कि ट्रांसफर हो जाए. उसके अंदर बहुत सारे आते हैं रोल्स ऑफ द प्रोटोकॉल्स. ये प्रोटोकॉल्स के मेन रोल्स क्या है? पहला है तो डेटा सिक्वेंसिंग. इट रिफर टू ब्रेकिंग अ लॉन्ग ट्रांसमिशन इनटू द स्मॉलर ब्लॉक एंड मेंटेन द कंट्रोल. That is, a long message is split up into the smaller packet or a fixed size. These packets are the further fragmented into the data frame. This technique is the widely used in the conjunction with the error control technique to reduce the amount of the data that must be retransmitted in case of the detector error. सबसे पहला role क्या है हमारा protocol का? तो वो क्या करता है, हमारा जो transmission है उसे स्मॉल कर देता है, स्मॉल ब्लॉक में डिवाइड कर देता है. जैसे कि कोई एक लंबा मैसेज होगा तो उसे छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पैकेट और फिक्स साइज में उसे पहले डिवाइड करेगा, स्प्लिट करेगा, फिर उसे फ्रेम में डालेगा, डेटा फ्रेम में. और ये टेक्निक जो है हमारी वो कब इस्तेमाल होती है कि हमें कोई एरर को रिड्यूस करनी है, उस एरर डिटेक्टिंग मेथड है जो हमारी वहाँ पे डेटा स्विचिंग होती है. फिर होता है डेटा राउटिंग. राउटिंग अल्गोरिदम आर डिजाइन टू फाइंड द मोस्ट इफिशियंट पार्ट बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन. दे कैन हैंडल अ वेरिंग डिग्री ऑफ द ट्रैफिक ऑफ द प्रेजेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विद द ऑप्टिमल टाइम यूटिलाइजेशन. नॉर्मली दे आर डायनेमिक इनफ टू अकोमोडेट नेटवर्क चेंज एंड ग्रोथ. अब बात करते हैं राउटिंग. रूट, रूट क्या होता है कि कोई एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है तो हम कौन सा रूट पसंद करेंगे कि जहां पे हमें ट्रैफिक कम मिले और हमारा टाइम सेविंग हो. बस वही बात है डेटा राउटिंग की कि डेटा है उसमें डेटा राउटिंग का रोल क्या है कि वो कोई ऐसा पाथ हमें सिलेक्ट करके दे और ऐसा पाथ के थ्रू हमारा ट्रांसमिशन हो कि जहां पे हमें डेटा ट्रैफिक ओछा मिले, कम मिले और हमारा जो टाइम है वो यूज हो जाए, टाइम जो है हमें कम मिले, यानी कि हमें ऑप्टिमम जो सिचुएशन है हमारी वो यूटिलाइज करता है डेटा राउटिंग के अंदर. वो अपने हिसाब से डायनेमिकली चेंज ला सकता है कि मुझे कहाँ से पर्टिकुलर हमारा डेटा ट्रांसमिशन करना है वो. फिर बात आती है फ्लो कंट्रोल. अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑल्सो प्रिवेंट अ फास्ट सेंडर फ्रॉम overwhelming a slow receiver. It ensures resources sharing and the protection against the congestion by regulating the flow of the data of the communication line.
क्या करता है, फ्लो फ्लो कंट्रोल क्या करता है कि हमारी जो डेटा है उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। यानी कि कोई हमारा सेंडर फास्ट है और रिसीवर का स्लो है तो क्या होगा, वहाँ पे ट्रैफिक हो जाएगी रिसीवर के पास। तो ऐसे जो फ्लो है डेटा का उसे कंट्रोल करता है हमारा फ्लो कंट्रोल। बाद में आता है एरर कंट्रोल। एरर डिटेक्टिंग एंड रिकवरिंग द रूट आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द करेक्टिंग एरर इन द ट्रांसमिशन ऑफ ब्लॉक। दिस मेथड रिक्वायर द कोऑर्डिनेट ऑफ द टू स्टेशन दैट द ब्लॉक हैविंग द एरर इज डिस्कार्डेड बाय रिसीविंग स्टेशन एंड इट्स रिपीटिंग बाय द ट्रांसमिशन स्टेशन। एरर कंट्रोल, जैसे फ्लो कंट्रोल हमारे फ्लोटो कंट्रोल करता है, वैसे ही एरर कंट्रोल जो हमारे डेटा ट्रांसमिशन के बीच में जो भी एरर है उसे मिनिमाइज करने का काम कौन करता है, एरर कंट्रोल। तो एरर कंट्रोल के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें जो सेंडर है और रिसीवर है यानी कि हमारा जो दो स्टेशन है उसका हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। और वो कोऑर्डिनेट के थ्रू हमारा एरर कंट्रोल है वो एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। फिर है प्रेसिडेंस एंड अदर ट्रांसमिशन। देयर आर अ वेल डिफाइंड रूल टू कंडीशन ऑल द स्टेशन अबाउट व्हेन टू ट्रांसमिट देयर डेटा एंड व्हेन टू रिसीव द डेटा फ्रॉम अदर स्टेशन। इट इज द एंश्योर दैट ऑल द स्टेशन गेट चांस टू यूज द कम्युनिकेशन लाइन एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी असाइन टू देम। अब क्या है ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रीसीडेंस, वो क्या काम करता है कि हमारा जो डेटा है स्टेशन है वो कब और कैसे ट्रांसमिट करना है उसका कंट्रोल रहता है हमारा प्रीसीडेंस और ऑर्डर ट्रांसमिशन। जब ऊपर से ऑर्डर आएगा कि डेटा टू ट्रांसमिट करो तब उसका डेटा जो है वो ट्रांसमिट होगा। कनेक्शन एस्टैब्लिश, व्हेन टू स्टेशन आर द नेटवर्क वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश एंड वेरी द कनेक्शन बिटवीन द टू। कनेक्शन एस्टैब्लिश क्या है कि कोई दो पॉइंट है यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों को क्या है एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करना होगा तो उसके लिए कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, कनेक्शन एस्टैब्लिश। फिर है डेटा सिक्योरिटी, प्रोवाइड द डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज ऑल्सो बिल्ट इन द मोस्ट कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। इट प्रिवेंट एक्सेस ऑफ द डेटा बाई अनऑथोराइज यूजर बिकॉज इट द रिलेटिवली ईजी टू टैप अ डेटा कम्युनिकेशन लाइन। डेटा सिक्योरिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है प्रोटोकॉल का, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का। वो क्या करता है कोई अनऑथोराइज यूजर है उसको हमारा इंटरनेट एक्सेस या फिर हमारा प्रोटोकॉल एक्सेस जो है वो देगा नहीं, वहाँ पे उसे रोकेगा। और ये इजी है, क्या इजी है कि कोई हमारी डेटा लाइन है उसमें हमें लीक करना बहुत इजी है, इसलिए हमें चाहिए डेटा सिक्योरिटी। फिर है लॉग इंफॉर्मेशन, डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कैन आल्सो डेवलप द लॉग इंफॉर्मेशन विच कंसिस्ट ऑफ द ऑल जॉब्स एंड डेटा कम्युनिकेशन टेक दैट हैव टेकन अ प्लेस। Such a information is the normally used for the financial purpose and the various user to network change the accordingly. Log information यानी कि हमें जो लॉगिंग की इंफॉर्मेशन मिलती है वो मान लो कि कोई फाइनेंशियल साइट है तो आपको क्या करना पड़ता है, हर बार उसमें लॉग इन करना पड़ता है। कोई बैंकिंग साइट है तो ऐसा नहीं है कि फेसबुक की जैसे एक बार लॉग इन कर लिया तो फिर दूसरी बार आप वो साइट खोलोगे तो आपको लॉग इन नहीं करना पड़ेगा। तो ये लॉग इन्फॉर्मेशन क्या करता है कि हाँ हमको हर बार लॉगिन करने की जहाँ पे हमें प्राइवेसी ज़्यादा चाहिए उस साइट पर उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमें लॉग इन्फॉर्मेशन का रोल जो है वो डेटा कम्युनिकेशन करता है। ओ एस आई मॉडल तो आपने पढ़ चुका है। तो डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या क्या है उसके रोल, डेटा स्क्वीजिंग, डेटा राउटिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, प्रेसिडेंस एंड अदर ट्रांसमिशन, कनेक्शन एस्टैब्लिश, डेटा सिक्योरिटी, लॉग इंफॉर्मेशन, ये है हमारे डेटा ट्रांसमिशन का रोल्स। अब मैं आपको पहले
ये तीन क्वेश्चन आज हमने पढ़े। सबसे पहला ईमेल कैसे वर्क करता है, वो टाइप्स ऑफ द नेटवर्क एंड रोल ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये आपको तीन सब्जेक्ट असाइनमेंट में मैं दे रहा हूँ सबमिट कराने के लिए। तो आप तीन क्वेश्चन को आपको असाइनमेंट में सबमिट करना है। तो पहले तो आप अभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेटिक्यूट। तो नेटिक्यूट क्या है? तो नेटिक्यूट इज द कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन। अब जब हम ऑनलाइन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उसी टेक्निक को हम बोलते हैं नेटिक्यूट। उसमें क्या होता है, वेदर बाय ईमेल, चैट रूम, मैसेजेस ब्रॉड और इनफॉर्मल और क्विक एंड इजी। यानी कि हम ईमेल से एक दूसरे के साथ ऑनलाइन बातचीत कर रहे हो, कोई चैट रूम वाला है माध्यम, वो सब क्या है, नेटिक्यूट के अंदर आ जाता है। नेटिक्यूट आर द रूल दैट शुड बी फॉलो व्हाइल द कम्युनिकेटिंग ओवर द इंटरनेट। अब क्या होता है कि ऑनलाइन हम चैट कर रहे हैं, तो उसका भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो होगा। तो नेटिक्यूट क्या करता है, तो वो रूल को फॉलो करता है। डिसओबेइंग नेटिक्यूट व्हाइल द सेंडिंग द ईमेल कैन क्रिएट अ ट्रबल। कि हम अब नेटिक्यूट के फॉलो नहीं करेंगे और कुछ ऐसा वैसा कुछ हम ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, तो वो हमें मुश्किली में डाल सकता है। लाइक ईमेल एंड अदर ऑनलाइन कम्युनिकेशन, द रूल ऑफ द नेटिक्यूट आर अ शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। तो उसका रेगुलेशन का कोई रूल्स होता है, उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं तो हमें दिया गया है। यानी कि नेटिक्यूट क्या है कि कोई हम ऑनलाइन कभी भी चैट रूम में कहीं भी बातचीत कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमें स्टैंडर्डाइज किया गया है, हम फॉलो कर रहे हैं, बस उसे ही बोलते हैं नेटिक्यूट। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन थे और आईएमपी वैसा भी नहीं है, लेकिन बीच में आया है तो आपको मैंने पढ़ा दिया। तो मित्रों, आज हमने तीन क्वेश्चन पढ़े, हाउ द ईमेल्स वर्क, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, नेटिक्यूट। ये सब अब आज हम पढ़ने के बाद आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ नया सीखेंगे।